वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। एम्स भोपाल की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, जूनियर नर्स के लिए यह भर्ती निकाली गई है एम्स भोपाल की तरफ से। 2021 के लिए ऑल इंडिया भर्ती है। आप सभी लोग 22 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट डेट यहाँ पे 25 जनवरी रखी गई है। इसमें जो है एनएम वाले, जीएनएम वाले, बीएससी नर्सिंग सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली फुल नोटिफिकेशन पर। सारी जानकारी देने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या है, सारी जानकारी। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है, जिससे आप लोग 10 जनवरी 2021 से फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आप लोग जो है 2 सेकंड के अंदर ईमेल से फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है जूनियर नर्स के लिए, जिसमें 17,840 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 17,840 रुपये सैलरी मिलने वाली है। एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में रखी गई है, जिसमें 10+2 के साथ अगर आपने जो है एनएम कर रखा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को भर सकते हैं। जीएनएम कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर रखा है, एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बिना एक्सपीरियंस के भी फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आपके पास 1 साल का किसी भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जो है उसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है cdchiccjobs@gmail.com। तो यहाँ पे जो है ईमेल आईडी दिया गया है, जिसे आप लोग 22 जनवरी 2021 तक मेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 25 जनवरी 2021 को। फिर आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा, इसी के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऑफिशियली वेबसाइट की, साथ ही फॉर्म की। तो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, फॉर्म को अप्लाई करना। और भी कोई क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।